नमस्कार, जय सियाराम। आइए, हम सब जानते हैं क्योंकि करवा चौथ नज़दीक है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला यह त्यौहार इस वर्ष 1 नवंबर को होगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए करवा चौथ का कठोर निर्जला व्रत रहती हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर करवा चौथ के दिन जिस करवा से अर्घ दिया जाता है वह मिट्टी का ही क्यों होता है, किसी अन्य धातु का करवा उपयोग क्यों नहीं किया जाता। करवा का महत्व तो या अर्थ यहां मिट्टी से है और चौथ का अर्थ होता है चतुर्थी से, अर्थात तिथि, जो तिथि चतुर्थी होती है। इस प्रकार सभी जो व्रत करती हैं माताएं व्रतियां इसी करवे का उपयोग करके चंद्रमा को अर्घ देती हैं और अपने पति से हाथों से व्रत खुलवाती हैं। करवा का निर्माण पंच तत्वों से होता है जिसमें मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सम्मिलित है। इस प्रकार मानव शरीर का निर्माण भी इन्हीं 5 तत्वों से होता है, इसलिए करवा को पंच तत्वों का प्रतीक माना जाता है और इसके प्रयोग को बहुत ही शुभ माना जाता है। यह शुद्धता का प्रतीक भी है। करवा के निर्माण में मिट्टी को जल में भिगो कर आकार दिया जाता है, इसके बाद वायु यानी हवा में और धूप के माध्यम से सुखाया जाता है और फिर अग्नि में पकाया जाता है। इस प्रकार 5 तत्वों से निर्धारित होता है, इसलिए इसके उपयोग से, प्रयोग से दाम्पत्य जीवन सुखमय और समृद्धि होता है, भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता और द्रौपदी जी ने इस व्रत का धारण किया था, उन्होंने भी मिट्टी के करवा का ही उपयोग किया था। इस बार करवा चौथ में संकष्ठी चतुर्थी का महायोग बन रहा है, इसलिए जो भी व्रतियां, जो भी माताएं करवा चौथ का पूजन माँ पार्वती के साथ भगवान गणेश को दूर्वा और गुड़ के लड्डू चढ़ाएंगी और पूजन करेंगी, उसमें साथ में जप कर लेंगी, उनका संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होगी और उनके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में सुख, समृद्धि, मधुरता प्रदान होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।